डियर स्टूडेंट्स नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द मल्टी स्टेज शाम्पलिंग मल्टी स्टेज शाम्पलिंग इज अ कम्बिनेशन ऑफ सिंपल रैंडम स्टर्टिफाइड और क्लस्टर शैम्पलिंग यानि जब हम इन में से एक से ज़्यादा सैम्पलिंग मैथड्स इकट्ठे से इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम उस को मल्टी स्टेज शैम्पलिंग कहते हैं मल्टी स्टेज शैम्पलिंग डिवाइड्स लार्ज पॉपुलेशन इंटू स्टेजिज टू मेक द सैम्पलिंग प्रोसेस मोर प्रैक्टिकल इसमें हम जो है क्या करते हैं कि मल्टी स्टेज शैम्पलिंग में हम जो है इसको फेजेस में लेते हैं और इस वजह से ये सैम्पलिंग जो है वो ज़्यादा वायबल बन जाती है इन मल्टी स्टेज शाम्पलिंग द रिसर्चर हैज़ मल्टीपल एडवांटेजेस। मल्टी स्टेज शैम्पलिंग इनेबल्स द रिसर्चर टू डिस्ट्रीब्यूट द पॉपुलेशन इन टू ग्रुप्स विदाउट रिस्ट्रिक्शन यानी कि जैसे कि हमने स्टेटिफाइड और क्लस्टर में कुछ रिस्ट्रिक्शंस के साथ जाते हैं तो इसमें ऐसा नहीं होता दिस टाइप ऑफ सैम्पलिंग यूजफुल इन द कलेक्शन ऑफ डाटा स्पेशली फ्रॉम द पापुलेशन दैट इज़ जियोग्रफिकली डिस्पर्स्ड तो हम इसको जो जियोग्रेफिकली डिस्पर्स्ड पॉपुलेशन है उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं एंड दिस सैम्पलिंग टेक्निक अलाउज द रिसर्चर टू केयरफुली मेक द सिलेक्शन ऑफ द सैम्पल ग्रुप तो हम इसको जब इस्तेमाल करते हैं तो वी हैव द लिबर्टी टू मेक आवर ओन डिसीजंस तो मल्टी स्टेज सैम्पलिंग की जो है वो तीन टाइप्स बनती हैं मल्टी स्टेज रैंडम सेम्पलिंग मल्टी स्टेज क्लस्टर सैम्पलिंग मल्टी स्टेज सर्टिफाइड सैम्पलिंग अगर हम रैंडम सैम्पलिंग को फेजेस में कर रहे हैं तो उसको हम मल्टी स्टेज रैंडम सैम्पलिंग कहते हैं और मल्टी स्टेज रैंडम सैम्पलिंग को सिस्टमेटिक सैम्पलिंग भी कहा जाता है मल्टी स्टेज क्लस्टर सैम्पलिंग में यानी जब हम इसको क्लस्टर सैम्पलिंग को फेजेस में कर रहे हैं तो हम उसको मल्टी स्टेज क्लस्टर्स कहते हैं और इसी तरह जब हम फेजेस में स्टिफाइड सैम्पलिंग को करते हैं तो उसको हम मल्टी स्टेज स्टेटिफाइड सैम्पलिंग कहते हैं तो ये एक ओवरव्यू था आपका मल्टी स्टेज सैम्पलिंग का तो इसके साथ हमारी जो है रैंडम सेम्पलिंग की जो है डिस्कशन ख़त्म हो गई है अब हम नेक्स्ट मड्यूल में जो है वो नॉन रैंडम सैम्पलिंग की बात करेंगे